दोस्तों, लेडी सुपरस्टार के नाम से साउथ फिल्मों में मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। नयनतारा की उम्र 38 वर्ष है और इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लगभग 75 फिल्में की हैं, जिसके लिए इन्हें लेडी सुपरस्टार का नाम दिया गया है। और दोस्तों, नयनतारा साउथ फिल्मों की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनका नाम फोर्ब्स इंडिया 2018 की लिस्ट में 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया था। भले ही नयनतारा का जन्म साउथ इंडिया में हुआ है, लेकिन उनका बचपन उत्तर भारत में ही बीता है और उन्होंने दिल्ली, गुजरात जैसी जगहों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। इसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवल्ला के कॉलेज से पूरा किया है और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, इनका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, लेकिन 7 अगस्त 2011 को ही इन्होंने एक आर्य समाज मंदिर में गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हिंदू धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम नयनतारा पड़ा। दोस्तों, खूबसूरत अभिनेत्री नयनतारा की लंबाई 165 सेंटीमीटर और इनका वजन लगभग 53 किलोग्राम के आसपास है। नयनतारा की आंखों का रंग और बालों का रंग बिल्कुल काला है, जिसकी वजह से यह बेहद खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों, नयनतारा के पिता का नाम कोरियन कोडिया टू है और वह इंडियन एयरफोर्स में अफिसर के पद पर तैनात है। वहीं उनकी माता का नाम ओमाना कुरियन है। इनके बड़े भाई का नाम लीनो कुरियन है और वह दुबई में रहते हैं। और दोस्तों, नयनतारा का रिलेशन 2010 में मशहूर फिल्म निर्माता और कोरियोग्राफर प्रभु देवा के साथ जुड़ा था और इन दोनों ने 2010 में ही शादी करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त प्रभु देवा शादीशुदा थे और उनकी पत्नी ने कोर्ट में प्रभु देवा के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। दोस्तों, नयनतारा ने अपने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और यह बेहद खूबसूरत थी, जिसके कारण एक मॉडलिंग शो के दौरान फिल्म निर्माता सत्यन अंतिकर की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने 2003 में फिल्म मन्ना सिन्हा करे में एक छोटे से रोल के लिए साइन किया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म के लिए पहले तो नयनतारा ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह फिल्म की और यह फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसके बाद नयनतारा का करियर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी आगे जाने लगा और इन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। दोस्तों, नयनतारा ने तमिल तेलुगु भाषा की फिल्मों में एक साथ काम करना शुरू किया और इन्हें तमिल फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस का किरदार मिला और यह तमिल फिल्मों में एक सनसनी के रूप में उभरी। फिल्म गजनी में इनके द्वारा निभाए गए किरदार को काफी याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म में यह सेकंड एक्ट्रेस के रूप में चुनी गई थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने लीड एक्ट्रेस को भी अपने अभिनय से टक्कर दिया। इसके बाद नयनतारा को कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए ऑफर आने लगे और उन्होंने इसके लिए कभी मना नहीं किया। वह साउथ फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने के लिए भी काफी फेमस है। और दोस्तों, किसी व्यक्तिगत कारण से नयनतारा ने 2011 में फिल्मों से अलविदा कह दिया था, लेकिन वह 2012 में कमबैक करते हुए फिल्म कृष्णम बंदे जगत गुरु में काम किया और उसके द्वारा कमबैक की गई पहली ही फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नयनतारा ने कई फिल्मों के डबिंग भी किए हैं, इसके लिए उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का डबिंग स्टार भी कहा जाता है। और दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान में भी नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।